हेलो स्टूडेंट, आज के अपनी पीरियड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अंदर आज अपन अध्ययन करेंगे टॉपिक आता है पूर्ति सप्लाई। आगे जो अपने मान के बारे में पढ़ा था, आज अपन पढ़ रहे हैं पूर्ति, जिसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे पूर्ति का अर्थ, उसकी परिभाषा और डायग्राम द्वारा इसकी व्याख्या को समझेंगे। फिर इसके अंत में अंदर में पढ़ेंगे पूर्ति के क्या नियम है। तो हमें जानते हैं पूर्ति, पहले आता है पूर्ति शब्द का अर्थ। के शब्दों में
उनका क्या कहना है कि कुर्ती किसे कहते हैं, तो मैंने उन शब्दों पर कुर्ती की परिभाषा स्पष्ट नहीं करी कि कुर्ती में कुर्ती का आश्चर्य वस्तु की उस मात्रा से है जिसे प्रति समय में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या हुआ परिभाषा इसके अंदर है, इसकी परिभाषा क्या है कुर्ते की, वो लैंग्वेज है शब्दों में कुर्ते क्या है, कुर्ते का आशय है उस वस्तु की मात्रा से है जिसे इकाई इसमें प्रति इकाई इसमें आ जाएगा प्रति यूनिट प्रति इकाई समय में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता के लिए जो वस्तु मांगता है उसे विक्रेता द्वारा उसे उसकी वस्तु को पहुंचाना उसे उसकी पूर्ति करना किया है उसकी पूर्ति का ठीक है। अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे तालिका द्वारा समझेंगे कि कुर्ती की तालिका बनाकर अपन उसकी व्याख्या करेंगे कि जिसके अंदर रेखा चित्र के माध्यम से कुर्ती को किस तरह दर्शाया जाता है उसके ग्राफ के द्वारा। तो कुर्ती तालिका है आपकी कुर्ती तालिका ठीक है। इसके अंदर जवाब प्रति कल कीमत ठीक है कीमत और यहां पर रहेगा प्रति कल मूल्य प्रति की मात्रा इसमें इकाई कीमत एक दो तीन चार पाँच पंद्रह दी गई आपकी प्रतिकाई दस पंद्रह बीस पच्चीस और तीस ये क्या है कुर्ती की तालिका दी गई जिसके अंदर ठीक है।
5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 15, 16, 17
इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। अभी आगे यहाँ पर वस्तु की कीमत, यहाँ पर हमने इसको रखा वस्तु की कीमत को, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे वस्तु की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ वस्तु की कीमत और यहाँ वस्तु की मात्रा, अब इसको प्रदर्शित कर रहे प्रति इकाई यूनिट इसकी मात्रा लिया और इसका रेट लिया, तो यह रहा आपका इसके अंदर आ गया, इसके अंदर नहीं है तो ये इसके अंदर आ जाएगा आपका, ठीक। इसी तरह ये वाला काम भी इसके अंदर आ गया, फिर ये वाली ठीक है। तो ये स्तर क्या बना, ठीक है। तो इस तरह ये क्या बना हमारा पूर्ति वर्ग, तो जिससे पूर्ति वर्ग ये कौन सा है अपना पूर्ति वर्ग, ठीक है। पूर्ति वर्ग को इससे ऐसा अप्लाई करता है, ठीक है। ये कौन सा नियम होता है, ए बी सी डी और ई, तो इसके द्वारा ये हमारा पूर्ति वर्ग सप्लाई प्रदर्शित हो रहा है इस ग्राफ के द्वारा, ठीक है। अब अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं पूर्ति का क्या नियम, अब अपन पढ़ा है इसमें पूर्ति का नियम, अब हमने इसका आर परिभाषा समझ और ग्राफ के द्वारा इसको प्रदर्शित किया है तालिका के द्वारा, तो अब अपन पढ़ रहे हैं पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम क्या है, मान के नियम के जस्ट विपरीत, यानी मान के जस्ट जिसके अंदर जिसमें क्या हो रहा है वस्तु की मूल्य बढ़ेगा, वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति बढ़ती है, ठीक है। इसी तरह अगर जैसे ही उसका वस्तु का मूल्य घटेगा तो उसकी पूर्ति भी घटेगी, यानी कैसा हो गया मांग और पूर्ति में कैसा संबंध है, सीधा संबंध, तो कैसे क्या आया सॉरी पूर्ति और कीमत में, पूर्ति और कीमत में संबंध होता है, कैसा होता है सीधा संबंध होता है, इसके अंदर क्या होता है उसके साथ साथ कीमत के साथ साथ भी पूर्ति चलती है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा, इसका फॉर्मूला पूर्ति का एस इज इक्वल टू एफ लेकिन पी, जिसमें एस क्या है आपका एस है पूर्ति किसकी वस्तु की, ठीक है, और
पी बराबर है वस्तु का मूल्य या वस्तु की कीमत और एफ बराबर है परिमात्मक संबंध। इन दोनों में क्या संबंध है वो एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक पूर्ति, जिसका जरा हमने पूर्ति का अर्थ परिभाषा और डायग्राम के द्वारा हमने पूर्ति को समझा। तो अब आशा है आपको ये समझ में आएगा। इससे संबंधित आपका गैर ज्ञान क्वेश्चन है, पालना करें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, दूसरों को जागरूक करें।